खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। यूपी में मुस्लिम वोट एसपी बीएसपी की झोली में ही गिरनी चाहिए। मुस्लिम मतदाताओं से दो दिन पहले सहारनपुर में ये अपील कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती हिट विकेट हो चुकी हैं। चुनाव आयोग उनसे जवाब तलब कर रहा है। इस बीच जमाते इस्लामी ने भी आगे बढ़कर मुस्लिम समाज से ऐसी ही अपील कर दी है। जमाते इस्लामी ने अपने लेटर पैड पर जारी अपील में कहा कि मुस्लिम समाज 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की 8 सीटों पर एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के ही उम्मीदवारों को वोट दे। मुस्लिम समाज की इस धार्मिक संस्था की इस अपील ने एक ओर चुनाव आयोग के कान खड़े कर दिए तो दूसरी ओर एसपी बीएसपी और कांग्रेस जैसी उन पार्टियों को हिट विकेट कर दिया है जो खुलेआम या इशारों में ये अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट मोदी सरकार के खिलाफ पड़ना चाहिए। जमाते इस्लामी का दर्द ये है कि कश्मीर में अलगाववादियों की नकेल कसने वाली मोदी सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के सिलसिले में उस पर भी शिकंजा कस दिया। जम्मू कश्मीर समेत देश में जमात के 70 ठिकानों पर छापे पड़े और 50 करोड़ से ज्यादा की उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। इसीलिए इस चोट पर बिलबिला रही जमाते इस्लामी ने बदला निकालने के लिए चुनाव को हथियार बना डाला। बीजेपी पहले ही एसपी बीएसपी और खास तौर से कांग्रेस पर जमाते इस्लामी और आईयूएमएल जैसी सांप्रदायिक और समाज में बंटवारे की राजनीति करने वाले संगठनों को धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट बांटने का आरोप लगा चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वायनाड की रैली में इस सिलसिले में सीधे राहुल पर निशाना साधा था। देखिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग की कलम से राष्ट्रवाद और सेकुलरिज्म की नई इबारत लिखना चाहते हैं। अब मुस्लिम लीग का एजेंडा है, कांग्रेस का झंडा है और यही उनका सेकुलरिज्म का और भारत की आत्मा का फंडा है। उधर मोदी सरकार की घेराबंदी के चक्कर में कांग्रेस खुद हो गई है हिट विकेट। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के ताजा बयान को फुलटॉस समझकर कांग्रेस ने छक्का मारने की कोशिश की थी लेकिन उससे पहले गुजरात में उसकी गिल्लियां उड़ गईं। पहले चरण के मतदान के ठीक पहले गुजरात के पाटन जिले की राधनपुर सीट के विधायक अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अल्पेश पाटनपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने जगदीश ठाकुर को टिकट दे दिया। इस पर नाराज अल्पेश ने कांग्रेस को हिट विकेट कर उससे हाथ छुड़ा लिया और अब खबर है कि वो बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में है। टिकटों की बात है ही नहीं, कानून का जिला के अंदर उनको इतना के सम्मानजनक पदों पे रखना था। सम्मानजनक पदों पे रखने के बावजूद उनको इतना ही पूछना था कि आप यहाँ काम करने वाले हैं तो यह ईमानदार से कौन आप जीत सकता है, हमें तो जीत के कराया गया चाहिए, वो नहीं मिलेगा। हमें कोई पद की या टिकट की बात नहीं, ये मेरे लड़कों के सम्मान की बात, मतलब सिर्फ ठाकुर सेना के लिए नहीं जी। ठाकुर सेना एकता मंच और जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो बेरोजगार है, जो किसान है, उनके अधिकार की लड़ने की सिर्फ बात है। ये इनके अधिकार के लिए लड़ने की एक नैतिकता ताकत होनी चाहिए। हमें उनके डिसीजन हमारे चाहिए, उनको मजबूर करना चाहिए कि आप इन पिछड़ों के, गरीबों के, किसानों के डिसीजन लेने के लिए मजबूर होइए। जिस तरह से हमने शराब पाबंदी के लिए एक साल आंदोलन चलाया, सरकार को कानून बनाना पड़ा, एक भक्कमता से लेने की जरूरत है, वो कमी है। अल्पेश के अलावा गुजरात में कांग्रेस के दो और विधायकों ने पार्टी को बाय बाय कर दिया है। कांग्रेस के लिए हिट विकेट का ये झटका उस वक्त आया जब वो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के बयान पर बीजेपी की चुनावी घेराबंदी कर रही थी। भारत के आम चुनाव को लेकर इमरान खान ने कहा कि अगर भारत में दोबारा मोदी सरकार बनती है तो शांति वार्ता की उम्मीद बेहतर है। इमरान के इस बयान की पूंछ पकड़ते हुए कांग्रेस ने ये चुनावी ऐलान कर दिया कि मोदी को वोट यानी पाकिस्तान को वोट। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी पहले नवाज शरीफ से प्यार और अब इमरान खान आपका चहेता यार, ढोल की पोल खुल गई।
सुरजेवाला ढोल की पोल खोल ही रहे थे कि गुजरात में अल्पेश ठाकुर समेत कांग्रेस के 3 विधायकों ने ढोल पीट दिया कि कांग्रेस से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। और लालू जी, आप तो भ्रष्टाचार के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए, आप और आपकी पार्टी, आपका पूरा परिवार आज उसको भोग रहा है। आपने देश को, समाज को तोड़ने की बात की और बिहार को तोड़ दिया, समाज को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, इसलिए आज आपका परिवार भी टूट रहा है। परिवार में भी महाभारत छिड़ा हुआ है। अभी भी तो सोचिए, अभी भी होश में आ जाइए कि 44 सालों में ये पहला चुनाव है जब मैं जनता के बीच नहीं हूँ। इसका अफसोस है, आपकी कमी खल रही है, इसीलिए जेल से ये पत्र लिखा। इस चुनाव में सब कुछ दांव पर है, देश, समाज, लालू यानी आपकी बराबरी से सर उठाकर चलने का जज्बा रखने वाला, आपकी इज्जत और गरिमा सब दांव पर है। आरक्षण और संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी को खदेड़ने की लड़ाई में हर आदमी को लालू यादव बनना होगा। लालू के इस बयान को जनता किस अंदाज में लेती है, ये तो 23 मई के नतीजे बताएंगे। वैसे ये बयान बताता है कि लालू खुद कबूल कर रहे हैं कि मोदी सरकार के हाथों वो हो चुके हैं हिट विकेट। वैसे चुनाव आयोग के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिल्म पीएम मोदी भी आज हिट विकेट हो गई। चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा है कि कुछ पार्टियों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ऐसी फिल्मों की शिकायत की थी जिनसे किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी की छवि पर असर पड़ता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोकने से जुड़ी याचिका रद्द कर दी थी। इस फिल्म की रिलीज पर रोक से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल खुश हैं, लेकिन सियासी खेल में कब कौन हिट विकेट हो जाए ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।